दोस्तों समेत सात अर्थी एक साथ उठी तो बह उठा आंसुओं का सैलाब, छाया मातम। पूरी खबर रहटा माफी इलाके से शुक्रवार की है, जहां शुक्रवार को गांव के बबलू के बेटे विशाल की बारात इनोवा कार से रामपुर क्षेत्र में जाते समय बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई थी। शुक्रवार की रात 9:30 बजे सभी शव गांव में पहुंचे तो कोहराम मच गया। शनिवार को सभी सात लोगों की अर्थी एक साथ उठी और सभी की चिताएं एक साथ जली। डिलारी थाना क्षेत्र के गांव रहटा माफी में लगातार सात दिनों से विवाह समारोह चल रहे थे। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन हादसे में सात लोगों की मौत होने से खुशियां मातम में बदल गई। मंगल गीत की जगह चीखें गूंजने लगी, हर ओम मातम छा गया। एक किसान को छोड़ दिया जाए तो मरने वाले में सभी युवा थे, अभी उन्होंने जिंदगी की पारी शुरू ही की थी। मरने वालों में कृष्ण, विनीत, सौरभ, आकाश, तरुण, विवेक सभी युवा और अधेड़ किसान राकेश के शव शुक्रवार की रात 9:30 बजे रहटा माफी पहुंचे तो गांव में कोहराम मच गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई, रोने बिलखने की आवाजें चारों तरफ गूंजने लगी। शनिवार की सुबह सभी मृतकों की अर्थी एक साथ शमशान की ओर चली तो गांव में हाहाकार मच गया। एक साथ सभी की चिताएं जल उठी। एक सप्ताह में गांव में लगातार शादी विवाह होने से खुशी का माहौल था, ऐसे में एक साथ सात लोगों की मौत ने ग्रामीणों को झकझोर कर रख दिया है। तीन छात्र थे जिगरी दोस्त, उनकी चिताएं रखी अगल बगल। बताते चले कि तीन छात्र इसमें जिगरी दोस्त माने जाते थे, जिनकी अगल बगल चिताएं रखी गई थी। रहटा माफी निवासी कृष्ण पुत्र वीरेंद्र, तरुण पुत्र अमर सिंह, विवेक पुत्र शोपाल सिंह आपस में जिगरी दोस्त माने जाते थे। तीनों दोस्तों को एक साथ ही बर्थडे केक काटने से लेकर तमाम खुशियां एक साथ मनाते थे। गांव के लोगों ने साथ मस्ती में तीनों दोस्त एक साथ रहते थे। तीनों जिगरी दोस्तों की चिताएं भी अगल बगल रखकर एक साथ जलाई गई, जिससे सभी की आंखों से आंसू छलक उठे और परिजनों में तो हाहाकार कोहराम मचा ही हुआ है।